सोल्जर का नेक्स्ट पार्ट लास्ट में गाना था, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे यार बॉबी देओल नाम है इनका, नाम भी देखो ना, वो भी पहले देखो। टेंगू हम बोल रहे थे, फिर सोल्जर, अब इनका रियल नाम बॉबी देओल पता चला है हमें। मतलब नाम ऐसे पढ़ते हैं बट समझ नहीं आता किसका नाम है। तो आप लोगों ने रिमाइंड, तारा सिंह का भी भाई है और रियल नाम इसका ये। एक वो भी याद आता है, हम जिसको गोलू मोलू बोलते रहे, वो भी बोल रहे हैं भाई वो बड़ा लीजेंड एक्टर है, उसका नाम ऋषि कपूर है। तो अच्छा आप ऋषि कपूर जी कहें ऐसा, मतलब गोलू मोलू ना कहें, पर हम तो प्यार से बोलते हैं, कोई हाँ डिसरिस्पेक्ट नहीं है। फिर भी चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। बेटा, तुम हमारे वारिस हो, इसलिए तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने अपनी जिंदगी में कहाँ कमाया है और कहाँ छुपाया हूं। आओ। ये रास्ता हमरे उस सीक्रेट जगह की तरफ जाता है जहां का पता किसी और को तो कहा हमरे भाई बलदेव को भी नहीं है। बेटा, हम तुमको यहां इसलिए लाया हूं ताकि हम तुम्हें अपना बिजनेस का राज बता सकूं। आखिर तुम्ही को तो हमारा बिजनेस संभालना है। आओ आओ बेटे, आओ। आज हम बहुत खुश हूं, बहुत खुश। तुमने एक दिन में हमारी सालों की तमन्ना पूरी कर दी बेटे। हर बाप की तमन्ना होती है कि वो अपने बेटे की शादी करे। अरे इसलिए नहीं जी, बल्कि इसलिए कि तुमने उस कमीने प्रताप की बेटी से प्यार करके उस हराम जादे को हमारे कदमों में ला दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? प्रताप साहब तो आपके दोस्त हैं। अरे काहे का दोस्त, वो तो ऐसा दोस्त है जो मौका मिले तो दोस्त का भी गोश्त खा जाए। लेकिन हम भी कम नहीं हूं। वो जादूगर की कहानी सुनी होगी जिसकी जान एक तोता में थी, वैसे ही प्रताप की जान हमरे मुट्ठी में है। मैं समझा नहीं। अरे वही समझाने तो हम तुम्हें यहां लाया हूं। ठहरो। ये है वो तोता जिसमें प्रताप के सारे काले करतूतों का सबूत दिन और तारीख के साथ लिखा हूं। ये देखो, ये है हमारा तीसरा पार्टनर जसवंत। ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये रहा हमारा चौथा पार्टनर डीके। ये अब इंडिया में रहता है। आपने सही कहा, प्रताप सिंह की जान वाकई आपकी मुट्ठी में है। लेकिन बेटा परेशानी ये है कि सुसरी हमरी जान भी उसकी मुट्ठी में है। हमरी भी ऐसी ही एक फाइल प्रताप के पास है, इसीलिए तो उसे समधी बनाने के लिए तैयार हुआ हूं, ताकि दामाद बनकर तुम उसके पास से हमरी वो फाइल निकाल कर ले आओ। फिर देखना हम कैसे समधी बनकर उस कुत्ते का समाधि बनाता हूं, और फिर अपना सारा बोझ तुम्हारे कांधे पर डालकर चैन की नींद सोऊंगा। वो बेटा ही क्या जो अपने बाप को चैन की नींद न सुला सके। गद्दार का बेटा गद्दारी करेगा ना, बेटे जिसने गद्दारी की सजा ये सही मिली। सोल्जर भाई बड़ा झटका।
find out who owns this ship. Good morning, Chachu. Good morning, Bachwa. Good morning, Jojo. Good morning, big brother. चाचू कल से डैड नजर नहीं आए। अब हम क्या बताएं बचवा, तुम बिलीव नहीं करोगे, सुबह से कितना फोन आ चुका है, कितना इंक्वायरी हुआ है, मगर किसी को कुछ पता होता भी तो बताएंगे ना कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। हेलो विक्की, कहाँ बोल रहे जी? हाँ हाँ इधर ही है, जाएगा कहाँ? विक्की इधर आओ, अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा राज खुल गया है लड़के। राज? कौन सा राज? खुदाई सुन लो। हेलो हेलो, तुम हो? नर्वस आ गए थे ना? क्या आपको याद है आज एक लड़की का बर्थडे है? नहीं तो, किस लड़की का है? एक भोली भाली सी लड़की जो एक बुद्धू भुलक्कड़ लड़के के प्यार में फंस गई है। अब वो भुलक्कड़ है तो भूल ही जाएगा ना, ये बात तो लड़की को प्यार करने से पहले ही सोच लेनी थी। उस बेचारी को लव का एक्सपीरियंस नहीं था ना, इसलिए गलती हो गई। अब बताओ वो क्या करे? लड़की को चाहिए भरोसा रखे, मैं उस बुद्धू लड़के को पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन वो बुद्धू लड़का उस लड़की को पहचानेगा कैसे? अरे पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस लड़के में बात ही कुछ ऐसी है कि लड़की उसे देखते ही खुद दौड़कर उसके पास चली आएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़का देखता ही रह जाए और लड़की किसी और के साथ चली जाए। ठीक है तो फिर देखते हैं। हाय। लगता है किसी का दिल जल रहा है। दिल जल रहा है यार, बट यार अभी जो हमने देखा ये थोड़ा हमारे लिए सरप्राइज था। ये कैसे हो गया यार? ये हमारा यार ये सोल्जर प्यार कर रहा था, अचानक इनके साथ मिल गया। हम सोचे कि यार ये थोड़ा अलग है, बट मिलके भाई बाप को मार दिया, ये थोड़ा झटका था यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है गद्दार था, उसने भी गद्दारी की देश के साथ, बट ये बेचारा सपने देख रहा था, वारिस बनाऊंगा तुम्हें, सारी जायदाद तुम्हारे हवाले करूंगा, और दूसरे दुश्मन की बात कर रहा था, तोते में जान है, ये फाइलें दिखा रहा था, और ऐसे ही भाई गोली चला दी। हम तो हमें चक्कर आ रहा, हम चक्कर आ गया, हम समझे यार मजाक है, कोई कुछ अलग सीन है, क्योंकि तब तक वो ऐसे खड़ा था, वो भी गिर ही नहीं रहा था। दूसरी गोली मारी तो गिरा, तब पता चला कि यार ये तो इसने मार दिया यार, तो थोड़ा समझ नहीं है क्या यार इसने बाप को क्यों मार दिया। बाकी यार बड़ा सस्पेंस हो गया, और कंप्यूटर पे कुछ कर रहा था वो भी थोड़ा सस्पेंस हो गया। सही बात है भाई, मुझे भी झटका लग गया, मैं भी ऐसे देख रहा था भाई, चौंक गया एकदम से भाई, मैं तो लाख हो गया भाई, ये क्या कर दिया इतना हमारे ये टेंगो चाली ने भाई। आपको गदारी तो नहीं जचती यार, आप ऐसा तो नहीं करो, वो आप उसके बेटे चोपड़ा साहब बड़ा खुश हो रहा था भाई, अपने बेटे को वारिस बनाऊंगा, सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर, आपने तो एकदम से यार गदारी कर दी, अपने बाहर चौपड़ा आराम ही गदार है, पर आप पर यार ये जजती नहीं, ये सूट नहीं करता गदारी भाई, हम आपको कितना प्यार करते हैं और आप ये भाई मजा आ गया देखकर, खासकर ये टेंगो चार्ली ने जो हैरान कर दिया ना, अपने ही बाप को मार डाला। बदन चोपड़ा तो सोच रहा था भाई आपका वारिस बनाऊंगा, ये तोता है ला डायलॉग बदन चोपड़ा का, वो मुझे अच्छा लगा, मेरे दोस्त को मेरा ही गोश्त मिल जाए ना, वो नोच दे खा डाले, तो आज तो भाई सोल्जर ने उसको ही नोच डाला, वो भी मछलियों में फेंक दिया भाई, हैरान कर दिया भाई पूरे का पूरा, हमें तो भाई शौक लग गया है ना भाई, एकदम हमारे जज्बात वक्त बदल दिया इसने तो। नहीं मारना था तो थोड़ा बहुत उसको बताता, उसके गुनाह उसको याद दिलाता ना, भाई तुमने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए अब मैं तू मेरा बाप नहीं है, ऐसे ही उड़ा दिया। मदन चोपड़ा भी शोक में हो गया, वो भी गिर गया भाई, तो ये थोड़ा समझ नहीं आया, बट देखते हैं अभी और क्या है इनका, ये अभी प्यार चल रहा है, मिलेंगे नेक्स्ट।